हजारों इवन लाखों में इम्प्रेशंस ऑन माय एवरी सिंगल वीडियो एंड दो वीडियोस में तो मिलियंस में पहुंच गए। कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूँ जो शायद कोई नहीं करता। पर भाई तेरी बात तो अलग है ना, तेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो इम्प्रेशंस तो आएंगे ही ना ब्रो। पर ब्रो जब मेरे 0 सब्सक्राइबर्स थे एंड मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी तो उस पे भी 1000+ इम्प्रेशंस आ गए थे। तो मुझे पता है कि और सारे क्रिएटर्स क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे उनके वीडियोस पे ना के बराबर इम्प्रेशंस आते हैं, आई मीन कईयों के कमेंट्स आते हैं ब्रो। एंड मैंने अपने चैनल पर एक वोटिंग पोल भी डाला हुआ था जिसमें पता चला कि मेजोरिटी लोगों के वीडियोस पे सिर्फ 10 से 15 इम्प्रेशंस ही आते हैं या फिर मैक्सिमम 100, विच इज रियली बैड। साला दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री में रहने का फायदा ही क्या फिर है जब तुम्हारे वीडियोस पे 1000 इम्प्रेशंस भी ना आ पाते हो। कुछ फायदा उठाओ पॉपुलेशन का। पर तुमको टेंशन नहीं लेने का, अपन तुमको सारी इम्पोर्टेंट चीजें बताएगा इस वीडियो में जिसको अप्लाई करके स्टार्टिंग में एटलीस्ट हर वीडियो पे 1000+ इम्प्रेशंस तो आने ही लग जाएंगे। ओके, सो पहले ये समझ लेते हैं कि हाउ इम्प्रेशंस थिंग वर्क। ये मेनली दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट वन इज CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट एंड द सेकंड वन इज ऑडियंस रिटेंशन। भाई क्या नई चीज बता दी तूने। थैंक यू। हलवे ये CTR और ऑडियंस रिटेंशन तो सबको पता है। नहीं सबको नहीं पता लक्ष्मण, पता भी है तो लोग इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं। काफी लोग कमेंट्स करते हैं कि उनका CTR हाई होने के बावजूद भी वीडियोस पे इम्प्रेशंस आने बंद हो जाते हैं। तो इसका रीजन यही होता है कि तुम्हारे वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बहुत ही लो होता है, मतलब ऑडियंस तुम्हारी वीडियोस को ज्यादा देर तक देखना पसंद ही नहीं कर रही। एंड यूट्यूब का कहना है कि इफ योर वीडियो इज लॉन्गर देन 5 मिनट एंड ऑडियंस रिटेंशन इज अबव 50% यू आर प्रोबेबली डूइंग ए गुड जॉब। बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं तो अगर तुम्हारे वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन 40% भी है तो भी यूट्यूब एल्गोरिथम तुम्हारी वीडियोस को अच्छा खासा प्रमोट करेगा। लाइक अगर मैं अपने वायरल वीडियोस के रिटेंशन शो करूं तो इसमें एटलीस्ट 30% तो रहता ही है एंड यूट्यूब एल्गोरिथम मेरी वीडियोस को अब भी प्रमोट करता रहता है। प्रमोट करना मतलब इम्प्रेशंस भेजता रहता है। और हाँ वन मोर थिंग, जैसे जैसे तुम्हारे वीडियो पे इम्प्रेशंस एंड व्यूज बढ़ेंगे वैसे ही तुम्हारा ऑडियंस रिटेंशन एंड CTR लो होता जाएगा। बट अगर ज्यादा लो होता है तो इसका सॉल्यूशन वीडियो में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो इम्प्रेशंस इंक्रीज करने के लिए हियर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसमें से सेकंड पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पॉइंट शायद ही कोई बताता होगा यूट्यूब पर। ओके, सो फर्स्ट वन इज योर वीडियो टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक सिलेक्शन प्लेज ए की रोल। लाइक फॉर एग्जांपल रोस्टिंग चैनल्स के लिए सबसे इजी होता है वीडियोस पे ढेर सारे इम्प्रेशंस एंड व्यूज लाना बिकॉज ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक्स। लाइक जब रिसेंटली बिग बॉस ट्रेंडिंग पे था या फिर यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था तो उस टाइम सबके वीडियोस पे भर भर के व्यूज आ रहे थे। बट ट्रेंडिंग टॉपिक्स सारी कैटेगरीज के लिए बेनिफिशियल होता भी नहीं है। लाइक जैसे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, मेरी कैटेगरी के चैनल्स की बात करें तो यू शुड मेक वीडियोस ऑन डिमांडिंग टॉपिक इंस्टेड ऑफ ट्रेंडिंग। तुम अगर मेरे चैनल के वीडियोस पे गौर फरमाओ तो मेरे टॉपिक्स डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर यूट्यूबर्स। हाँ कोइंसिडेंटली एक दो वीडियोस सेम टॉपिक पे बन गई थी मेरी और डिकोडिंग वाटी की, बट ओवरऑल मैं औरों से डिफरेंट टॉपिक्स पे ही वीडियोस बनाना प्रेफर करता हूँ। एंड जो जो वीडियोस सेम टॉपिक पे मेरी आई हुई है उस पे तुम व्यूज देख ही सकते हो कितने कम व्यूज आए हुए हैं एज कम्पेयर टू अदर वीडियोस। एंड द रीजन इज हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेशन कैटेगरी में आती हैं। तो अगर कोई बंदा ऑलरेडी एक टॉपिक पे वीडियो बना चुका है एंड लाखों लोग उस वीडियो को देख चुके हैं तो वो तुम्हारी सेम टॉपिक की वीडियो क्यों ही देखेंगे जिसपे सिर्फ 150 या 1000 व्यूज ही आए होंगे। नाउ अगर बात करें गेमिंग की तो इसमें टॉपिक नहीं तुम्हारा स्किल मैटर करता है। पर भाई स्किल तो तभी दिखेगी ना लोगों को जब मेरे वीडियोस पे इम्प्रेशंस आएंगे एंड लोग मेरे वीडियो पे क्लिक करेंगे। बताता हूँ, तुम कोई भी वीडियो अपलोड करो यूट्यूब पे विथ प्रॉपर SEO उस पे कुछ ना कुछ इम्प्रेशंस आएंगे चाहे 10-15 ही क्यों ना आए। तो यही 10-15 इम्प्रेशंस में अगर एक ने भी क्लिक करके वीडियो देख लिया तो इम्प्रेशंस और बढ़ने लग जाते हैं। सो ओवरऑल अगर तुम्हारा चैनल मेरी कैटेगरी का है लाइक इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट टाइप तो डिमांडिंग टॉपिक्स या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो पॉपुलर हों लाइक मी हैं सकल दिखाइयो अब लाइक पॉपुलर एलग्रो डिकोडिंग वाटी स्टेप ग्रो मनोज डे एंड ऑल इनके ऊपर वीडियोस बना के तुम इनिशियल पुश ले सकते हो। और अगर गेमिंग चैनल है तो इसमें जितना हो सके वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाओ एंड प्रॉपर SEO करो इम्प्रेशंस आने लग जाएंगे। एंड अदर कैटेगरीज में भी तुम सेम चीजें अप्लाई कर सकते हो लाइक किसी पॉपुलर यूट्यूबर पे वीडियो बना के तुम इनिशियल पुश ले सकते हो। इससे होता क्या है कि जिस भी यूट्यूबर से रिलेटेड तुम वीडियो बनाओगे तो उस यूट्यूबर के वीडियो के नीचे तुम्हारी वीडियो सजेस्ट होने लग जाएंगी। इस ट्रिक का यूज करके तुम अपने वीडियोस पे इनिशियली इम्प्रेशंस एंड व्यूज ला सकते हो। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, कीप चेंजिंग द थंबनेल एंड टाइटल ऑफ योर वीडियो। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि मेरे वीडियोस के थंबनेल्स एंड टाइटल्स चेंज होते रहते हैं जब तक कि उस पे
अच्छे खासे व्यूज आने ना स्टार्ट हो जाए। तो इसका रीजन यही होता है कि मैं अपनी वीडियोस अपलोड करने के बाद उसका इम्प्रेशंस एंड CTR मॉनिटर करता रहता हूँ। तो जब भी मुझे लगता है कि मेरे वीडियो का CTR लो हो रहा है या फिर इम्प्रेशंस आना बंद हो गए, तो मैं अलग अलग थंबनेल्स एंड टाइटल्स लगा के एक्सपेरिमेंट करने लग जाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मेरे इस वीडियो के एनालिटिक्स पे गौर फरमाओ। पहले इस वीडियो का थंबनेल कुछ ऐसा था, फिर मुझे लगा कि मैं इसका थंबनेल और कैची बना सकता हूँ, एंड फिर मैंने न्यू थंबनेल बना के अपडेट कर दिया। एंड अपडेट करने के बाद ही तुम ये व्यूज का स्पाइक देख ही सकते हो। जहाँ पहले इस वीडियो पे सिर्फ 8000 के अराउंड व्यूज थे, वहीं अब इसका डबल होके 16,000 तक पहुँच गया, वो भी सिर्फ 10 दिनों के टाइम पीरियड में। ओके, सो नाउ थर्ड पॉइंट विच इज प्रॉपर SEO। इसमें तुम्हारे वीडियोस के टाइटल, टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन आते हैं, सबको पता होगा। ये मेनली हेल्प करता है तुम्हारी वीडियोस को सही ऑडियंस तक पहुंचाने में। अपने टाइटल एंड टैग्स में जितने ज्यादा सर्चेबल कीवर्ड्स यूज करोगे, उतने ही ज्यादा तुम्हारे वीडियोस लोगों को सजेस्ट होंगे, एंड फिर उतने ही इंप्रेशंस एंड व्यूज। रिसर्चेबल या फिर ट्रेंडिंग कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, इस पे ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, जरूर से चेकआउट करना जितनों ने नहीं देखा है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज क्वालिटी कंटेंट। सी, ऑडियंस रिटेंशन मेंटेन करने का बस एक ही सॉल्यूशन है कि अपने वीडियोस को तुम इंगेजिंग बनाओ। वीडियो इंगेजिंग बनाने के लिए कई सारी चीजें मैटर करती हैं, लाइक वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी एंड एडिटिंग स्टाइल। चाहे तुम मेरी कैटेगरी के वीडियोस बनाते हो या फिर गेमिंग और या फिर कोई भी कैटेगरी, ऑडियंस को अपने वीडियो में ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रखना इज एन आर्ट इटसेल्फ। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। तुम में से कईयों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे चैनल पे वीडियोस की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, वैसे ही वीडियोस पे इंप्रेशंस भी बढ़ते जाते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड ये और सबके साथ भी होता है जो कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करते हैं। सो इन शॉर्ट, अपलोड मोर वीडियोस एंड गेट मोर इंप्रेशंस। सो यही सारी चीजें हैं जिसको अप्लाई करके तुम अपने वीडियोस पे इंप्रेशंस ला सकते हो। बाकी दैट्स इट इन दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।